पेट्रोलिया की समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज स्पर्श वार्ता के अवसर पर हम सभी समाचार पत्र प्रतिनिधियों का इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे प्रेस वार्ता का जो मकसद है, जो हमने आपको कष्ट दिया है इस बात को लेकर के कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई, लोकतंत्र आए दिन चला जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है जिसमें लोग चुन करके गए हैं, उसके दरवाजे बंद हैं। जो बड़े मेहनत मशक्कत से देश को लोकतंत्र मिला था कि हम सब आपसी विचार विनिमय से कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन आज वो चर्चा का केंद्र ना होकर के हम विधानसभाएं एक दिन के लिए बुलाई जा रही है। आखिर जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि किसके बीच बहस करें, कैसे चर्चा करें। हद तो तब पार हो गई कि जब आपने देखा होगा कि अभी 21 लाख लोग परीक्षा देने गए थे और जब वो परीक्षा दे चुके, आधे से ज़्यादा पेपर हल कर चुके, तो उन्हें कहा गया कि आप अपने घर वापस जाइए, परीक्षा के पेपर आउट हो चुके। अब आप सोचिए कि एक बेकार नौजवान, एक पढ़ने लिखने वाला छात्र छात्राएं कितने मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, कितनी मनौतियां मान करके उनके परिवार के लोग किस तरह से साधन का इंतजाम किए, मोटरसाइकिलों में तेल डलवाए, लेकिन जब वो सेंटर पे गए उनके हाथ निराशा हुए। 21 लाख तो ऐसे परिवार जो डायरेक्ट परीक्षा देने गए, और दूसरे जो उन्हें परीक्षा दिलाने गए, ये पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ कि वो रो करके सेंटर से वापस आए। हमें इस बात की तकलीफ है कि आप रोजगार तो नहीं दे पाए। आपने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि हम इतना नौजवानों को रोजगार देंगे, तो आपने रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो आप कहते थे कि हम अच्छी परीक्षा कराएंगे, विश्वास उसमें होगा, दूसरी सरकारों का आप आरोप लगाए थे, लेकिन आज आप पूरी तरह से धराशायी हो गए। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनके सरकार की हनक है, उनकी सरकार बुलडोजर चलवा देती है। तो आखिर जिसने 21 लाख लोगों के ऊपर उनके सपनों को तोड़ा है, 21 लाख लोगों की जो परीक्षा की पवित्रता को नष्ट किया है, आखिर उनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? ये उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार जानना चाहता है कि आखिर उसमें बुलडोजर कब चलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलित है, हर वर्ग का छात्र, और जो भारत ने जो पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही थी कि हमने पिछड़े वर्ग आयोग को भारत के अंदर संवैधानिक दर्जा दिया। उस आयोग ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्तियों में बड़े पैमाने पर घपला हुआ और उसको लेकर के छात्र आंदोलित हैं। अब छात्र यही तो कह रहे हैं कि आप हमें सच्चाई से अवगत करा दीजिए, और हमारा हक मारा जा रहा है। इको गार्डन में कई महीने से उधरने पे हैं, और जब वो कल जा रहे थे तो उनके ऊपर पुलिस ने बर्बल लाठीचार्ज किया। आप वार्ता कर नहीं रहे हैं, विधानसभा को आप बंद कर रखे हैं। विपक्ष जब कोई बात कहता है तो आप विपक्ष की बात को कुचलने के लिए आप भय पैदा करते हैं। तो आखिर अब युवा बेरोजगार जाए कहाँ, हमारा किसान कमेरा लोग जाए कहाँ। आप कहते हैं कोरोना का तीसरा वेरियंट आ रहा, तो हम कहते हैं कटोरिया के हॉस्पिटल में अलग से व्यवस्था क्या हुई, आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज में क्या व्यवस्था हुई। तो एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था से लेकर रोजगार के सवाल पर, विश्वविद्यालयों से लेकर, आप कहीं पर कोई किसान प्रदेश है उत्तर प्रदेश, ये कह रहे थे कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा गन्ना का भुगतान हुआ। अभी देश की संसद चली, आपकी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक चैनल से भी कवर किया कि सबसे ज्यादा गन्ना का बकाया उत्तर प्रदेश में है। इनके खुद मंत्री ने संसद में बयान दिया, और हद तो तब हो गई इनकी एसटीएफ जांच की पेपर के। तो जो पेपर छापने वाली कंपनी है, ना तो उसके पास प्रिंटिंग प्रेस है, ना उसके पास अपनी कोई ऑफिस है, और जो गोदाम दिखाया गया, जो पता दिया गया, वो दिल्ली के अंदर एक बीएस साहब का गोदाम है। सोचिए आप, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि आप संत हो, योगी हो, तो योगी जैसा आचरण भी तो होना चाहिए। आपके राज्य में परीक्षा की पवित्रता को आप इतना नष्ट कर चुके हो
कि वो एक बियर के गोदाम के पते पर ऐसी परछा, क्या आपके अधिकारी और आप, क्या आपके मंत्री इतना लापरवाह है 21 लाख छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते हैं? तो ये पूरी तौर पर इनसे जनता का विश्वास उठ गया। जनता और नौजवान, व्यापारी, किसान, समाज का अगड़ा पिछड़ा सब समाज एक विकल्प की तलाश में, और वो विकल्प लगभग जनता के सामने आ चुका है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी की यात्राओं, उनके विजय रथ यात्रा में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो गई। भारतीय जनता पार्टी जो अपने बड़ी पार्टी कहती थी, फेडरल बेस्ड पार्टी कहती थी, आज उसके रणनीतिकार पूरी तौर पर फेल हो गए। प्रधानमंत्री को रात रुकना पड़ रहा उत्तर प्रदेश में, इसके बावजूद भी उनकी रैलियों में आशा बहुएं, पंचायत मित्र, सफाई कर्मी, प्रधानों को ऊपर प्रताड़ना, सेक्रेटरी के ऊपर अनावश्यक दबाव, लेखपालों से कहा जा रहा है कि आप 20 आदमी लेके जाएंगे, आप जो स्वयं सहायता समूह बनाता, उन स्वयं सहायता समूहों को कहा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री की सभाओं में जाएंगे। और आपने देखा होगा इसी अतरौलिया के अंदर माननीय चेयरमैन साहब भी उपस्थित हैं, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं संजय मिश्रा, हमारे अध्यक्ष हैं सचिन जी हैं। हम सब ने ट्रैक्टर रैली निकाला था, और ट्रैक्टर रैली में हमने जनता के सामने कहा था कि जो आपका कृषि अध्यादेश है ये काला कानून है, ये देश के किसानों पर आप जो थोप रहे हो ये गलत है। अडानी के दबाव में आप इस तरह से कानून लाएंगे कि किसान को भी आप दबाव में लेना चाहते हो, और तो आप ले लिए व्यापार, तो आप ले लिए, आप भारत के हवाई अड्डों को आप पूंजीपतियों अडानी के हाथ बेच ही दिए, भारत की रेल को आप बेच चुके, भारत के आप LIC संस्थान महत्वपूर्ण जैसे संस्थान आप बेच दिए प्राइवेट को। भारत की रेल एशिया की सबसे बड़ी रेल थी, आप किसको बेच दिए? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपने किसको बेचा? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आपने कहाँ बेच दिया? तो आप एक तरह से हवाई अड्डा बेच दिया, आपने अपने ऊपर रेलवे को बेच दिया, LIC को बेच दिया, आखिर सरकार के पास रहेगी क्या? सरकार को आप लिमिटेड बनाना चाहते हो, सरकार को इतना कमजोर क्यों करना चाहते हो? एक तरफ कोरोना काल में आम आदमी से रोजगार छीना, आम आदमी की संपत्ति जो है उसको दर दर भड़कना पड़ा, और दूसरी तरफ जो रिपोर्ट आई है कि इस बीच अडानी की संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ गई। तो एक तरफ युवा हताश है, बेरोजगार है, परीक्षाएं समय पर हो नहीं रही है, परीक्षाएं हो रही है तो सारे पेपर आउट हो जा रहे हैं, और रिजल्ट आ रहे हैं तो रिजल्ट इनके विवाद में फंस जा रहे हैं कोर्ट कचहरी सब में, तो ये इस पर पूरी तरह से फेल है। इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, प्रधानमंत्री को माफी मांगना पड़ा, और माफी मांगे देश से। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि माफी तो आपने मांगा, तो आप बताए होते कि जो आप कहते थे कि कृषि अध्यादेश में देश किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो आखिर आपने वापस क्यों ले लिया? और वापस लिया तो उसमें खराब बात क्या थी? और यही बात तो माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि इस पर चर्चा करा दो संसद में कि इसमें खामियां क्या थी, और वापस ले रहे हो तो बुराइयां क्या है? तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी चर्चा से भागना चाह रहे हैं। अभी इनको नोटबंदी पे भी माफी मांगना पड़ेगा, नोटबंदी भी देश के अंदर जो लिया गया निर्णय वो घातक, हमारे मझोले उद्योग बंद हो गए, हमारे जो छोटे व्यापारी थे वो पूरी तरह से त्राह त्राहमान हो गए, इनका GST का भी निर्णय जो था वो देश के लिए घातक रहा। हमारे अतरौलिया, अब हम आपको अपने क्षेत्र में ले जाए, हमारी सरकार में 200 बेड का अस्पताल बनकर के जनता की सेवा में समर्पित है, हमारे समय में समदी का डिग्री कॉलेज बनके जनता की सेवा में समर्पित है, कलोरा के अंदर पुल बनकर के जनता की सेवा में समर्पित है, बूढ़नपुर से अहरौला मार्ग, बूढ़नपुर से मदियाबाद से अहरौला मार्ग, देवपुर से महाराजगंज मार्ग, पटेल चौराहे से लेके नंदना मार्ग, आप जहाँ चारों तरफ नजर उठाएंगे तो उच्च गुणवत्ता की सड़कें बनी। आज हम लगातार सरकार से विनती करते रहे कि सिकंदरपुर नरियाव मार्ग, रामबाग जहाँ दृष्टि स्थल है, लोग स्नान करने जाते हैं, आज पूरी तौर पर जर्जर है, और इतना कहने के बाद भी पैसा थोड़ा मोड़ा इलाज के तो ऊंट के मुंह में जीरा की समान है। हमारा अहरौला से कप्तानगंज मार्ग आप चले जाएंगे तो आप रो देंगे,
तो सरकार पूरी तौर पर विकास में फिर लोगों को अच्छा शासन देने, फिर आए दिन हत्याएं, लूट, डकैती, बलात्कार, छिनैती, और जो अभी नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रसिद्ध किया, भारत का नीति आयोग, उसने जो गरीब श्रेणी में है उसमें उत्तर प्रदेश को भी शामिल किया। शर्म आती है, चित्रकूट है, महोगा है, ललितपुर है, उसने कहा सबसे ज्यादा गरीबी है, तो गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पाए। तो हम ऐसे अवसर पर आपको जो बुलाए हैं कि जब विधानसभाएं बंद हैं तो हम ऐसे में किसानों की बात, नौजवानों की बात, कहाँ किस प्लेटफार्म पे कहें, तो उसको लेकर के हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम 8 तारीख को 12 बजे से सिकंदरपुर के मोड़ से एक जन आक्रोश पदयात्रा निकालेंगे, और उस पदयात्रा, जो हमारी पदयात्रा है, वो सिकंदरपुर से छितौनी, छितौनी से परमेश्वरपुर होते हुए, हमारे केसरी तिराहे होते हुए, पूरे नगर पंचायत के भ्रमण करते हुए वो जाकर के मदिया पार के मोड़ पर समाप्त हो जाएगी। हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य बेतहाशा जो महंगाई वृद्धि है, सरकार महंगाई पर रोक लगाने में नाकाम है। सरकार एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है और दूसरी तरफ हमारे नौजवानों को जो रोजगार मांग रहे हैं उन पर लाठियां बरस रही है। जो इनकी बातों को जो ये झूठी बातों को मनवाना चाहते हैं, अगर उसका विरोध करता है तो उसके ऊपर इनकी लाठियां बरस रही है। तो हम जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जो रोजगार देने में सरकार असफल हुई है उसके खिलाफ, जो स्वास्थ्य सेवाओं में दर दर लोगों को भटकना पड़ा है, आज बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे आए, इस सारे बुनियादी सवाल पर किसान को जो डीएपी खाद के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, इन सारे सवालों पर हम जनता से अपील करते हैं, छात्र नौजवानों से, आपके चैनल के माध्यम से, आपकी प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम अपील करते हैं कि आइए। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो विधानसभाएं और संसद आवारा हो जाएंगी। डॉक्टर लोहिया के उस कथन के साथ कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती है, और इस कथन के साथ कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो विधानसभाएं और सांसद आवारा हो जाएंगी, तो अब ऐसी जो संसद जिसमें जनता के सवाल पर चर्चा नहीं हो रही है, ऐसी विधानसभा जो जनता के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, छोटे व्यापारियों के सवाल पर आज जो चर्चा नहीं हो रही है, हम सड़कों पर उतर करके जनता को सचेत करेंगे, और आने वाले दिनों में जिस तरह से रुझान है, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने का काम हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव करेंगे। आज अखिलेश यादव की नकल हुई है, अखिलेश यादव ने जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बनवाया था 5 साल पहले, उन्होंने उस पर लड़ाकू विमान उतारा था, आज अखिलेश यादव ने ही समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया था, जो सरकार बनाते बनाते वो 23 महीने में बनाए थे, ये सरकार 4.5 साल में भी उद्घाटन भी हो गई, लेकिन अभी उसके चढ़ने उतरने का स्थान नहीं हुआ, लाइटें नहीं हुई, एक बाथरूम तक नहीं बने, पूरे इतने बड़े एक्सप्रेस वे पर कहीं भी पेट्रोल पंप का इंतजाम नहीं, कहीं रेस्टोरेंट का इंतजाम नहीं, न आलू मंडी बनी, न गन्ना मंडी बनी। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय भी आजमगढ़ के अंदर बनाने का प्रयास होगा, चिकित्सीय सुविधाओं को हम बेहतर बनाने का काम करेंगे, प्राथमिक विद्यालयों को हम सुसज्जित करने का काम करेंगे, और हम फीस प्रतिपूर्ति ला के समाज के हर वर्ग के लिए दवाई और पढ़ाई के सस्ता और सरल उपाय ढूंढने का काम हमारी सरकार या माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो काम करेगी। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर लोग कह रहे हैं कि ये चुनावी जुमला है, कि 4.5 साल कोई विश्वविद्यालय नहीं हुआ, 6 महीने चुनाव को रह गया तो विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया, सर इसकी समाजवादी पार्टी का। जहाँ तक विश्वविद्यालय का सवाल है, अगर इनकी मंशा ठीक होती तो उत्तर प्रदेश का जो बजट सत्र था उस बजट सत्र में भी हम लोग भी चाहते थे, हमारे नेता ने राजकीय मेडिकल कॉलेज बना करके जनता की सेवा में, तो असल में भारतीय जनता पार्टी विश्वविद्यालय बनाना ही नहीं चाहते,
ये आजमगढ़ के बुद्धिजीवियों का, पत्रकारों का, पत्रकार मित्रों का दबाव था कि आपने कहा है उसको लेकर के एक लंबा धरना भी किए थे यहाँ के बुद्धिजीवी लोग। तो उन बुद्धिजीवियों के मन की संतुष्टि के लिए इन्होंने विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने का काम किया। हम तो आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि बजट में क्या प्रावधान किए हो, 2 करोड़ रुपये में विश्वविद्यालय बनेगा, नींव नहीं खुद पाएगी। अरे दिसंबर का महीना चल रहा है, जो संभावनाएं हैं कि बहुत जल्द आचार संहिता लगेगी, सूचना जारी हुई, तो क्या विश्वविद्यालय की नींव खुद पाएगी? आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाने का काम समाजवादी इतिहासा, महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षाओं पेपर आउट हो जाना, प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यापक पैमाने पर धांधली, जर्जर सड़कें, बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं, धान की खरीद ना होना, गन्ना किसानों का बकाया का भुगतान। क्या लगता है कि किसानों के कृषि बिल वापस करके प्रधानमंत्री जिस तरीके से किसानों को माफी दिया, इससे किसानों का दुख और किसानों के दुख का शांत होगा? 700 किसान शहीद हुए, आज भी उनकी बैठक हुई है और MSP की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग भी कर रहे हैं। आखिर जब कीटनाशक दवाइयां महंगी, खाद महंगी, डीजल महंगा, तब आप सोचिए कि किसान की आज दुगनी कैसे हुई? हम तो योगी जी के सामने कहे थे, आप कहते हैं कि किसान की आय दुगनी हुई, कैसे दुगनी होगी? बीज मांगे, कीटनाशक दवाइयों के दाम मांगे, डीजल मांगा, तो डीजल मांगा तो ट्रैक्टर की जुताई मांगनी होगी, तो आखिर किसान की आय दुगनी कैसे हुई? तो सरकार ढोल बजा के जा रही है, ये हो गया है स्पष्ट। ओम प्रकाश राजभर जी ने और जो हमारा गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के आदरणीय जयंत चौधरी जी से हुआ, ओम प्रकाश राजभर जी से हुआ, अपना दल इसके संस्थापक सोनेलाल पटेल जी की पत्नी श्रीमती कृष्णा पटेल जी से हुआ, जनवादी पार्टी का अध्यक्ष सोनेलाल संजय चौहान जी से हुआ। अभी आप देखते जाइए कि कितने नेता हमारे नेता के नेतृत्व में विश्वास करके पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार चल रहा है। तो इतना बड़ा बदलाव, उत्तर प्रदेश बदलाव के मुहाने पर खड़ा है कि हर चैनल तो अब तो दिखा रहे, कोई भी चैनल खोलिए, अखिलेश यादव जी को मानिए, अखिलेश यादव जी के एक एक दौरे पे पूरे भीड़ के साथ दिखा रहे, क्योंकि उन्हें भी जवाबदेही तो थे, तो महीने बाद क्या कहें? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार का विकल्प के रूप में उभरी हुई है, ऐसे में सर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतने का? हमारे नेता ने कहा है कि जनता बहुत गुस्से में है और लोग बहुत गुस्से में है, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध के कुछ ग्राफ बढ़े हैं, इसके साथ समाजवादी पार्टी क्या करती है? जहाँ आप बैठे हैं यही अपराध का ग्राफ बढ़ा, दलित परिवार की हत्या मेनका थाने तक थी, इलाहाबाद के अंदर 4 दलित परिवार की हत्या, कमजोर तबके पर अपराध भी बढ़ा है और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ पुलिस की के कस्टडी में सबसे ज्यादा डेथ उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। आपकी जानकारी के लिए मैं प्रेस मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसने सबसे ज्यादा नोटिस देश के किसी राज्य को दिया है तो उत्तर प्रदेश को दिया है। सबसे ज्यादा पुलिस की कस्टडी में उत्तर प्रदेश के अंदर डेथ हुई है, सबसे ज्यादा महिला अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और पुलिस के कस्टडी में सबसे ज्यादा डेथ उत्तर प्रदेश की। इसके बाद उस व्यापारी को मुआवजा दिया गया, फिर भी सब उसकी जांच क्या आगे बढ़ी, कुछ कार्रवाई नहीं? हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिस तरह से उन्होंने मनीष गुप्ता की हत्या जिसके गोरखपुर के अंदर हुई थी,